अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो CF304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो हमारी असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है फॉर द सेमेस्टर ऑफ स्प्रिंग 2020 उस हवाले से है। तो दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले जो है अपनी इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। दोस्तों, इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट में हमें एक केस दिया गया है। ड्यू टू द COVID-19 पेंडेमिक, द गवर्नमेंट वांट्स टू लॉन्च एन ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन मेडिकल स्टोर, सो दैट वेरियस मेडिकल रिलेटेड आइटम्स कैन बी प्रोवाइडेड टू पीपल विदाउट गोइंग टू द स्टोर। दिस विल अलाउ रिड्यूसिंग द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड मिनिमाइजिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज। दैट प्रपोज स्टोर विल बी ऑफर वेरियस प्रोडक्ट लाइक मेडिसिन, हैंड सैनिटाइजर, मास्क, सेफ्टी किट्स, टेस्टिंग किट्स एंड अलॉग विद ग्लोव्स। टू डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर सच एज इंडिविजुअल कस्टमर एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन प्लेस देयर ऑर्डर ऑनलाइन बाई यूजिंग द मल्टीपल पेमेंट मैथड सच एज डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड एंड कैश डिलीवरी ऑन डिलीवरी। ड्रॉ द ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ डायग्राम फ्रॉम द गिवन स्टेरियो शोइंग द ऑब्जेक्ट देयर एट्रीब्यूट फंक्शन एंड रिलेशनशिप। ये हमें केस दिया गया है और इसमें हमें बताया गया है कि एक्सट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट एंटिटीज ऑफ द अबव सिस्टम। हमने इस सिस्टम की जो है वो एंटिटीज के बारे में बताना है। फाइंड द नेसेसरी एट्रीब्यूट फंक्शन दैट नीड टू एसोसिएटेड विद ईच ऑब्जेक्ट। हमने फिर उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताना है। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप अमंग द आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, और हमने जितने भी ऑब्जेक्ट निकाले होंगे उसका फिर हमने रिलेशनशिप बताना है। और लास्ट में कंस्ट्रक्ट द फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव क्लास डायग्राम शोइंग ऑल ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप अलोंग विद देयर एट्रीब्यूट एंड फंक्शन। ये है दोस्तों हमारी इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट। बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो है टास्क 1 को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें हमें बताया गया है कि वी हैव टू ड्रा द ऑब्जेक्ट एंटिटीज ऑफ दैट सिस्टम। हमारी जो सबसे पहले एंटिटी है वो है एडमिन। एडमिन जो है वो उस पूरे सिस्टम को या उस वेबसाइट को जो है वो मैनेज करेगा। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एक और चैनल शुरू किया है जिसका नाम 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है, जिसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इस वीडियो के शुरू में भी दिया गया है। वहाँ पे मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड करके रखे हैं, ऑलमोस्ट 15 सब्जेक्ट की हैं जो आपके मुश्किल हैं। तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाएं और उन लेक्चर से भी जरूर फायदा उठाएं। वापस आते हैं जी हम अपने टास्क 1 के ऊपर। अगली जो एंटिटी है वो है हमारे पास कस्टमर। अगली जो एंटिटी है वो है हमारे पास मेडिसिन। तो दोस्तों जी, मैं आपको ये भी बता दूं, मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए होती हैं कि आपने असाइनमेंट बनानी कैसे है। तो आप उनको एज एन आइडिया ही परसीव किया करें। इसके बाद अगला जो टास्क था हमारे पास टास्क 2, इसके अंदर हम लोगों ने एट्रीब्यूट बताने थे कि हमने पिछले टास्क 1 के अंदर जो एंटिटीज या ऑब्जेक्ट फाइंड आउट किए हैं उनके एट्रीब्यूट या उनकी फंक्शनैलिटीज के हवाले से बताना है। अब इसमें देखें, हमारे पास एडमिन है। एडमिन जो है वो ऐड यूजर, वो किसी भी यूजर को जो है वो ऐड कर सकता है। उसके बाद एडिट यूजर, वो किसी भी यूजर को जो है एडिट कर सकता है। उसके बाद डिलीट यूजर, वो किसी भी यूजर को जो है डिलीट कर सकता है। इसके बाद जो है हमारे पास कस्टमर है। अब कस्टमर क्या कर सकते हैं? कस्टमर जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को जो आपके पास इन शेप ऑफ सैनिटाइजर या हैंड वॉश या जो भी है उन प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी जो हमारी एंटिटी थी वो थी मेडिसिन की। अब मेडिसिन जो है वो उस मेडिसिन का नाम आ जाएगा, उस मेडिसिन की क्वांटिटी आ जाएगी, उस मेडिसिन की पोटेंसी आ जाएगी क्योंकि कितनी पावर की है। तो ये मेडिसिन के सारे एट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो टास्क 2 है वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड टास्क है। थर्ड टास्क के अंदर हम लोगों ने हमने जो एंटिटीज बनाई हैं उससे हमने जो है वो रिलेशनशिप शो करना है। उसके लिए मैंने जो है वो एक सिंपल सी क्लास डायग्राम ली है और उसकी मदद से जो है मैं आपको रिलेशनशिप शो करता हूँ। वो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा एक थर्ड चैनल है की टू सक्सेस के नाम से, जिसके ऊपर मैंने आपकी एग्जाम की तैयारी के हवाले से मटेरियल अपलोड करना है। उसका URL भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको भी सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह उससे भी आपको फायदा होगा।
अब यहाँ पे देखें, हमारे पास यूजर एक एंटिटी आ गई, इसमें यूजर का नाम है, उसका आईडी है, उसकी टाइप है और पासवर्ड है। इसी तरह आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर की एक आ गई, उसमें आईडी नेम और पासवर्ड है, ऐड यूजर, डिलीट यूजर और एडिट यूजर उसकी एट्रीब्यूट आ गए। इसी तरह आपके पास कस्टमर की है, वो सर्च कर सकता है प्रोडक्ट को और प्लेस कर सकता है ऑर्डर को। इसके बाद आपके पास मेडिसन है, उसमें आईडी है, नेम है, क्वांटिटी है और पोटेंसी है, वो व्यू कर सकते हैं मेडिसन को और ऑर्डर कर सकते हैं मेडिसन को। अब ये जो एंटिटीज हैं, इनके दरमियान आपस में भी रिलेशनशिप है, वो कैसे है? पहले हम यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर का रिलेशनशिप देखें। यहाँ पे देखें स्टार है और वन है, वन रिप्रेजेंट द सिंगल रिलेशनशिप और के मल्टी रिलेशनशिप, कि एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बहुत सारे यूजर को जो है वो मैनेज कर सकता है। तो ये जो रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। इसके बाद हम अगला जो रिलेशनशिप देखते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर और मेडिसन का है, वो भी वन टू मैनी का है। इसी तरह अगला जो है वो मैनी टू वन का है, कि एक यूजर जो है वो बहुत सारी मेडिसन खरीद कर सकता है, या बहुत सारे यूजर जो है वो बहुत सारी मेडिसन खरीद कर सकते हैं। इसी तरह आखिरी जो है वो हमारे पास मैनी टू वन का है, कि बहुत सारे कस्टमर जो है वो एक यूजर हो सकता है। तो यहाँ पे उनकी सारी फंक्शनैलिटी और रिलेशनशिप को दिखाया गया। आपने इससे आइडिया लेकर अपनी एंटिटीज अब बनानी है और फिर उनके दरमियान ऐसे रिलेशनशिप को शो करना है। इसके बाद अगली जो स्क्रीन है, इसके ऊपर आपको फिर कंप्लीट जो है वो डायग्राम दिखाई गई है, जिसको हम ऑब्जेक्ट मॉडल या क्लास डायग्राम कहते हैं। अब इसमें देखें, हमें चार टास्क दिए गए। पहला टास्क ये था कि हमने एंटिटीज डिफाइन करनी है या ऑब्जेक्ट डिफाइन करनी है, जो कि हमने यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिसन और कस्टमर को आइडेंटिफाई किया। इसके बाद आगे जो है वो हमें उसके एट्रीब्यूट, हमने एट्रीब्यूट सेकंड स्लाइड के ऊपर जो टास्क नंबर टू था उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी जो एडमिन है उसके क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, ये क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वो आपको बताए थे। इसके बाद आगे जो है वो रिलेशनशिप था। तीसरी स्लाइड के ऊपर मैंने आपको रिलेशनशिप दिखाया, जो कि वन टू मैनी का या मैनी टू वन का या मैनी टू मैनी का या वन टू वन का हो सकता है। इसके बाद आखिर में मैंने आपको फंक्शंस के वो कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे वो दिखाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी असाइनमेंट CF304 की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया जो है वो मिल गया होगा कि आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो कैसे बनानी है। जल्दी से आप लोग अपना वर्ड ओपन कीजिए और अपनी असाइनमेंट बनाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आखिर में मैं फिर आप लोगों को कहूंगा, 24/7 टीचर्स ऑनलाइन के ऊपर जाइए, जिसका URL डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां पे जो मेरे मुख्तलिफ सब्जेक्ट के लेक्चर अवेलेबल हैं, आप उनसे भी जरूर फायदा उठाएं और इंशाल्लाह आपको उनसे सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सोल्यूशन के साथ, या GDB सोल्यूशन के साथ, या क्विज के सोल्यूशन के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।